टी20 वर्ल्ड कप 2024 की सुपर आज का तीसरा मुकाबला भारत अफगानिस्तान के साथ खेलेगा और यह मैच बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय नियम के अनुसार यह मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इस मैच से पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बातचीत की है। दरअसल राहुल द्रविड़ और बारबाडोस का रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। इसी क्रम में जब रिपोर्टर ने उनसे बारबाडोस के खराब प्रदर्शन की बात की तो राहुल द्रविड़ थोड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने इस पर रिपोर्ट का जवाब देते हुए कहा कि वह अतीत की बातों को भूल चुके हैं और अब सिर्फ कोच के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल पत्रकार 1997 टेस्ट मैच की बात कर रहे थे जिससे भारत को 121 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन पूरी टीम मात्र 81 रन में ही सिमट गई थी और 39 से हार गई थी। बता दें कि उस टेस्ट मैच में पहली पारी में राहुल द्रविड़ न्यू इंडस्ट्रीज टीम के खिलाफ 78 रन बनाए थे और सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक 92 रन बनाकर भारत को बढ़त दिखाई थी, लेकिन अंत में पूरी टीम के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे और हार गए थे।